किसान भाइयों, टमाटर की फसल में लगने वाले अन्य कीट व रोगों की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर विजय अग्रवाल से। खेत में टमाटर की फसल खड़ी हुई है तो इस समय कई सारी इसमें समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जो हमारे फल इस समय बन रहे हैं, छोटे छोटे से फल बन रहे हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का कीड़ा छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जो हमारा फल है वो पूरी तरह से सड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। ये टमाटर की इल्ली होती है, ऐसे हम चने की इल्ली भी बोलते हैं, हेलियोथ्रिस नाम की इल्ली होती है। तो सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए इस प्रकार के जो ग्रसित फल हैं उनको आप एकत्रित कर दें और उनको किसी गड्ढे में फेंक दें, नहीं तो क्या होगा, ये फल जमीन में पड़े रहेंगे और इल्ली जमीन के अंदर चली जाएगी और प्यूपा फॉर्म में या शंकी अवस्था में आ जाएगी और अगले वर्ष हमारी फसल को फिर से नुकसान पहुंचाएगी। और इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, दवा के रूप में आप इंडोक्सीकार्प कहलाती है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। एक और समस्या इस समय दिखाई दे रही है, पत्तियों में बहुत बारीक बारीक सी लाइनें दिखाई दे रही, सफेद रंग की लाइनें बन जाती है, ये लीफ माइनर या पत्ती सुरंगक कीट के कारण होता है। अगर एकाध जगह इस तरह की लाइनें दिख रही हैं तो आप वैसे पत्तियों को निकालकर नष्ट कर सकते हैं। अगर फसलों में ज्यादातर इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा में हमें डाइमेथोएट दवा बाजार में मिलती है, इसकी 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब जो दूसरी समस्या हमारे पौधों में दिखाई देती है वो होती है झुलसा की बीमारी। झुलसा की जो बीमारी होती है, जो बारिश के बाद का मौसम होता है उस समय ये बीमारी काफी ज्यादा हमारे पौधों पे दिखाई देती है। इसमें आप 2 प्रकार से इसमें झुलसा या जो ब्लाइट होती है वो आपको दिखाई देगी। पहली जो होती है इसमें पत्तियों पर दिखाई देती है, इसमें गोल गोल चकत्ते पत्तियों में पड़ जाते हैं और ये किनारे से पत्तियां सूखना चालू होती है गोल गोल चकत्ते से और पूरी पत्तियों पर इस प्रकार का रोग दिखाई देता है और पत्तियां जल कर सूख कर गिर जाती है और इससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। दूसरा, यदि हमारी फल की अवस्था में पौधा आ गया है तो ये जो अर्ली ब्लाइट होता है, आगेती झुलसा होता है, ये फलों पर भी दिखाई देता है। इसमें फलों का जो हिस्सा पौधे से जुड़ा रहता है वहां पर रिंग जैसा बन जाता है और वहां पर फल सड़ने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए आप थायोफेनेट मिथाइल नाम की दवाई बाजार में मिलती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो टमाटर